नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीए सेंटर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना जो है संविधान का एक सेशन चल रहा है, जिसे आप जरूर देखिएगा। और यह जो संविधान का जो है, इसके बाद एक और जो है क्लास आएगा, जिसमें जो है अपना पूरा संविधान संपूर्णता समाप्त हो जाएगा। जो आपके एग्जाम के लिए जो है मुख्य रूप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उसका कलेक्शन किया गया है। और यह जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो क्वेश्चन अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। हम जो दोस्त नए हैं चैनल पर, नए हैं वो जो है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में। किस में? भाग 9 में। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था जो है किस पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था किस पर? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक, और पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। किसके लिए? जनता को प्रशासन में जो है भागीदारी योग्य बनाना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40। ठीक, अनुच्छेद 40 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, और भाग 4 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन जो है किसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो किसके द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? अनुच्छेद संविधान संशोधन 75वां। कितना? 75वां में। ठीक, 75वां नहीं होगा दोस्तों, 73वां होगा। कौन सा होगा? 73वां। ठीक, कितना होगा? 73वां याद रखिएगा। 73वां जो संविधान संशोधन पंचायती राज संशोधन से संबंधित है। ठीक, और 74वां जो है नगर निगम से। ठीक, अगला क्वेश्चन है 75वां संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो हो जाएगा जो है इस अनुसूची हो जाएगा 12वां। कौन सी अनुसूची में जो है पंचायती राज का व्यवस्था किया गया? 12वां अनुसूची। ठीक, कौन सा अनुसूची? 11वां। ठीक, अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य चुनाव आयोग। कौन जिम्मेदार है? तो राज्य चुनाव आयोग। ठीक, और पंचायती भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में जो है पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 को। ठीक, और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान में। कहाँ लागू की गई? नागौर राजस्थान में। ठीक, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान में जो है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की थी? तो कब लागू की थी? तो 1959 में, और नागौर में। कहाँ? 1959 नागौर में। ठीक, 7 दिन बाद आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन कार्यक्रम चलाया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक, और कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब? 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है किसकी सिफारिश पर भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता 1957। कब? 1957 में, बलवंत राय मेहता। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज की जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो पंचायती राज की जो है सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। कौन है? ग्राम पंचायत। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जो है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत हो जाएगा, एवं बलवंत राय मेहता के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो पंचायत समिति। ठीक, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता। किसने दिया था? 2 स्तर के लिए और अशोक मेहता 1977 में, और 3 स्तर के लिए बलवंत राय मेहता 1957। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम प्रधान करता है। कौन करता है? ग्राम प्रधान। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज विषय किस विषय की सूची है? तो पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची की विषय है। कौन सी सूची? तो राज्य सूची। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन में महिलाओं को जो है ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो किस संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन में जो है महिलाओं को 1/3 जो है सीटें आरक्षित की गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। ठीक, पंचायत राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? तो पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर। किस पर? सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी संस्था है? तो एक विकास खंड पर जो है पंचायती राज संस्था एक प्रशासकीय अभिकरण है। कौन सी है? एक प्रशासकीय अभिकरण है। ठीक, भारत में जो है पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में जो है पहला नगर निगम चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। कब? वो 1687 में, 1687 में स्थापित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है?
तो ग्राम पंचायतों की जो है आय का स्रोत है मेला व बाजार कर, मेला व बाजार कर ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है, ठीक। और किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है, तो पंचायती राज प्रणाली में जो है ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, ठीक। और 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार चुनाव का प्रावधान किया गया है, तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ठीक, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान किया जाता है, ठीक। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है, तो पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय राज्य सरकार लेता है, कौन लेता है, राज्य सरकार, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय राज्य सरकार लेता है। तथा अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है, तो पंचायत समिति का गठन जो है जिला राज्य प्रखंड स्तर पर होता है, किस स्तर पर, तो प्रखंड स्तर पर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत की मांग भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए, तो 6 माह, कितने समय के अंदर होना चाहिए, तो 6 माह, ठीक। अब अगला जो है प्रमुख संविधान संशोधन है, ठीक, तो पहला संविधान संशोधन जो है 1951 में कब किया था, पहला 1951 में, और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, कौन सा, 9वीं अनुसूची को, ठीक। और दूसरा किया गया था 1952 में, दूसरा कब किया गया था, 1952 में, तथा राज्यों को प्रतिनिधित्व के रूप में निर्धारित किया गया, कौन सा, तो राज्यों को प्रतिनिधित्व के रूप में निर्धारित किया गया, ठीक। और सातवां संशोधन मुख्य मुख्य संशोधन को इसमें जो है काउंट इस जो है पेपर में लिया गया, ठीक। सातवां संशोधन 1956 में किया गया था, जिसमें संशोधन द्वारा राज्यों को द वर्गों में विभाजन करके उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया, ठीक। और दसवां संशोधन जो है 1961 में हुआ था, कब, दसवां 1961 में, इसमें जो है दादरा एवं नगर हवेली को भारत के संघ में सम्मिलित करके उन्हें संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ठीक, दसवां 61 में, और दादरा एवं नगर हवेली को जो है संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ठीक। और बारहवां संशोधन जो है 1962 में, बारहवां संशोधन, बारहवां यानी 62 में, कितना अच्छा है, बारहवां 62, ठीक। इसमें जो है गोवा दमन एवं दीव को भारतीय संघ का संघ में एकीकरण किया गया, ठीक, गोवा एवं दमन एवं दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया, ठीक। अगला है तेरहवां, तेरहवां 1962 में किया गया था, इसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 के अ जोड़ा गया, जिसमें जो है नागालैंड प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तथा नागालैंड का जो है गठन 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड का जो गठन किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 14वां संविधान संशोधन 1963 से संबंधित है, 14वां किससे, 1963 से, जो कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था, इन संघ राज्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन एवं दीव, पांडिचेरी, मणिपुर में विधानसभा की स्थापना की गई, ठीक। अगला जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, 21वां कब किया गया था, 1967 में, जिसमें जो है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में किसको, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक। और 22वां संविधान संशोधन 1968 में किया गया, तथा संसद को मेघालय के लिए, मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। दोस्तों यदि आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था, और किसके लिए, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था, संसद के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था, ठीक। 24वां संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार संशोधन करने का अधिकार दिया गया 1971 में, ठीक। और 27वां संशोधन भी 1971 में किया गया था, जैसे उत्तर पूर्व के 5 राज्य तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एवं 2 संघीय राज्य मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया, जिसमें समन्वय एवं सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई, ठीक। अगला है 31वां संविधान संशोधन 1974, 31वां संविधान संशोधन 1974 जो है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई, जिसमें 545 निर्वाचित एवं 5 और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ठीक, कितने, 545 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ठीक। अगला क्वेश्चन है 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसमें सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रदान किया गया, ठीक। 36वां संविधान संशोधन 1975, जिसमें सिक्किम को भारत को जो है 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान मिला, ठीक। अगला क्वेश्चन है 37वां यानी कि 37वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई, ठीक। तथा 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई, किसे, लघु संविधान की, ठीक। और इसके द्वारा जो है संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक। तथा इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई, यानी नागरिकों हेतु 10 मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई, ठीक। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एवं जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक।